आज हस्तिनापुर के महल से 6 अर्थियां उठने वाली थी। पूरे राज्य में शोक का माहौल था। राजा धृतराष्ट्र के भाई पांडु की आखिरी निशानियां दरबार में सफेद चादर में लिपटी बेजान पड़ी थी। कल रात माता कुंती सहित 5 पांडवों की दर्दनाक मौत हो गई। हस्तिनापुर की सभा में इस संदेश के साथ 6 शव पहुंचे। इन शवों की हालत देखकर दरबार में हर किसी की रूह तक कांप गई थी। ये शरीर इतने ज्यादा जल चुके थे कि अब हड्डियां भी पहाड़ दिखने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने पूरे शरीर को रस्सी से कसकर जान का एक एक कतरा निकाल लिया। उन शवों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। दुर्योधन सहित सभी कौरवों की आंखों में आंसू थे। पूरे सम्मान के साथ माता कुंती और 5 पांडवों को इस संसार से विदा किया गया। लेकिन दुर्योधन तो हमेशा से पांडवों को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। आखिर वो क्यों दुखी था? अगर पांडवों की मृत्यु हो चुकी थी तो महाभारत का युद्ध कैसे लड़ा गया? क्या ये सिर्फ एक कथा है या इसका सच से कोई वास्ता है भी? महाभारत में छिपे है कई अनसुने राज। लाक्षागृह एक ऐसा महल जिसका निर्माण ऐसी चीजों से किया गया था जो बहुत ही तेजी से आग पकड़ती है, लेकिन इस सब से पांडव अनजान थे। पांडव एक उत्सव को देखने के लिए वर्णाव्रत आए और इसी महल में रहने लगे। एक रात उन्होंने महल में सभी नगरवासियों के लिए भोज का आयोजन किया, लेकिन ये कोई मामूली रात नहीं थी। अगली सुबह महल के बाहर भीड़ जमा हो गई थी। महल के अंदर ढूंढने पर वर्णावत के लोगों को 7 जले हुए शरीर मिले, जिनमें से एक पुरोचना का था और बाकी 6 शरीर एक औरत और उसके 5 पुत्रों के थे। सभी नगरवासी इस खबर को लेकर धृतराष्ट्र के दरबार में जा पहुंचे। सभा में एक शोक की लहर दौड़ गई और पूरे सम्मान के साथ उन 6 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन अगर सच में पांडवों की मृत्यु हो गई थी, फिर महाभारत का युद्ध कैसे हुआ? क्या पांडव जीवित थे? इस बात के जवाब के लिए हम इस कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। जब धृतराष्ट्र के महल में लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा जा रहा था, तब पांडवों और कौरवों के चाचा विदुर को ये आभास हो गया था कि ताल में कुछ काला जरूर है। विदुर को जैसे ही इस षड्यंत्र की जानकारी मिली तो उन्होंने पांडवों को सावधान कर दिया और फिर पांडवों ने लाक्षागृह में एक सुरंग का निर्माण करवाया। उस रात महल की वो आग पांडवों ने खुद ही लगाई थी और फिर सुरंग की मदद से वहां से बचकर निकल गए थे। पर अब सवाल ये है कि अगर पांडव सुरक्षित थे तो वो 6 शरीर जिनका अंतिम संस्कार किया गया वो किसके थे? ये शरीर एक निषाद स्त्री और उसके 5 पुत्रों के थे जो उस रात महल में भोज के लिए आए थे और शराब के नशे में धुत होकर वो महल के अंदर ही रह गए थे। अनजाने में ये सब आग की चपेट में आ गए और यही शरीर वर्णाव्रत के लोगों को मिले, जिन्हें पांडव समझकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ऐसी ही हजारों अनोखी कहानियों से मिलकर बना है महाभारत, दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य जो अपने अंदर कई रहस्यमय कहानियों को समेटे हुए है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ एक कथा है? एक ऐसा युद्ध जो लगातार 18 दिनों तक चलता रहा, जिसमें ना जाने कितने लोगों का खून बहा। इतना खून कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी भी लाल हो गई। लेकिन क्या असल जिंदगी में इतना भव्य युद्ध होना संभव भी है? कई लोग मानते हैं कि ये सिर्फ काल्पनिक बातें हैं, लेकिन दुनिया के हर कोने में आज भी महाभारत के रहस्यों को कई एक्सपर्ट्स सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा युद्ध वास्तव में लड़ा गया है जो आज की टेक्नोलॉजीज और वॉर टेक्निक्स को भी पीछे छोड़ दे। कई रिसर्चेस हुई और फिर सामने आए कुछ सबूत जो ये बताते हैं कि महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे इतिहास और संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है। महाभारत में एग्जैक्ट डेट बताई गई है जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई और कलयुग का आरंभ हुआ। रिसर्चर्स ने ग्रिगोरियन कैलेंडर के मुताबिक सारे ग्रह और दिशाओं का जोड़ लगाकर देखा। उन्होंने ये कंक्लूड किया कि महाभारत की जंग का अंत और कलयुग की शुरुआत हुई थी February 18, 3102 BCE सुबह 2:27:30 पर, और यही महाभारत में भी बताया गया है। सिर्फ यही नहीं, उत्तर भारत में 35 से ज्यादा जगहें ऐसी हैं जिनकी लोकेशन और डिटेल्स महाभारत में बताई गई है। यहाँ तक कि इन 35 जगहों पर आर्कियोलॉजिस्ट को कॉपर यूटेंसिल्स, लोहे, चांदी और सोने के गहने, पॉटरी भी मिले हैं।
ये बर्तन गहने महाभारत से जुड़े भी है या नहीं, इस बात की पुष्टि करने के लिए इनकी साइंटिफिक डेटिंग का पता लगाया गया और सभी परिणाम महाभारत काल की तरफ ही इशारा करते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे सबूत हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि महाभारत सच में हुई थी, और इसमें हजारों ऐसी कहानियां हैं जो आज भी अनसुनी रह गई है। तो अब इस सब के बाद भी किसी का ये समझना कि महाभारत सिर्फ माइथोलॉजी का हिस्सा है, क्या संभव है? हमारे इतिहास और हमारे ग्रंथों से जुड़े ऐसे कई राज हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। राज पर हम आपके लिए ऐसी ही अनदेखी, अनसुनी, अनकही कहानियां लाते रहते हैं। राज एक ऐसी कम्युनिटी है जो हमेशा नई कहानियों और बेहतर एक्सपीरियंसेस के लिए क्यूरियस रहती है। इस कम्युनिटी को और मजबूत बनाने के लिए हमने अपने चैनल पर मेंबरशिप टैब एक्टिवेट कर दिया है। इसके थ्रू हम आपके साथ ज्यादा क्लोजली कनेक्ट कर पाएंगे, आपके हर सवालों का जवाब दे पाएंगे। तो अगर आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमारे कॉन्टेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर अभी क्लिक कीजिए। अब कहानी में वापस आते हैं। हम अक्सर सुनते आए हैं कि लाक्षागृह की योजना दुर्योधन ने शकुनी और कर्ण के साथ मिलकर बनाई थी, लेकिन इस प्रसंग से भी पहले इस षड्यंत्र का बीज बोया था कनिका ने। धृतराष्ट्र के मन में पांडवों को लेकर एक असुरक्षा की भावना थी कि कहीं वो उनसे उनका राज्य छीन ना ले। धीरे धीरे ये भावना इतनी बढ़ गई कि धृतराष्ट्र की रातों की नींदें उड़ गई। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने अपने सबसे चतुर और भरोसेमंद मंत्री कनिका को बुलाया। कनिका ने धृतराष्ट्र को समझाया कि जब दुश्मन ताकतवर हो जाता है तो उसे जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि एक मरे हुए इंसान के साथ उसके फॉलोअर्स और उसके प्रिंसिपल्स की भी मौत हो जाती है, और इसी प्रकार ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। कनिका ने ही धृतराष्ट्र को सलाह दी कि दुश्मनों को हराने के चार तरीके होते हैं, समझौता, धन की ताकत, बल का इस्तेमाल, या फिर भेदभाव की भावना यानी साम, दाम, दंड और भेद। एक आखिरी पासे के दाव से हस्तिनापुर की कहानी बदल गई। युधिष्ठर एक ऐसा दाव खेल चुके थे जिसमें हार पक्की थी, और वैसा ही हुआ। अपनी सारी संपत्ति, अपना राज्य, यहाँ तक कि अपनी पत्नी की इज्जत हारने के बाद अब बारी थी पांडवों की सजा की। 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, एक ऐसा समय जब पांडवों को चुप कर रहना होगा। अगर किसी ने उन्हें पहचान लिया तो उन्हें 12 साल और वनवास भोगना होगा। 12 साल तक वन में रहने के बाद अब पांडवों को एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहाँ उन्हें कोई ढूंढ ना पाए और ना ही कोई पहचान सके, और इसलिए युधिष्ठिर ने विराट नगर को चुना। उनका मानना था कि राजा विराट के राज्य में उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी और वहां तक दुर्योधन को पहुंचने में काफी समय लगेगा। अपनी पहचान छुपाने के लिए पांचों पांडवों और द्रौपदी ने अलग अलग रूप अपनाए। युधिष्ठिर ने कंक नाम के एक ब्राह्मण का रूप अपनाया जो कि आगे चलकर राजा विराट के सलाहकार मंत्री बने। भीम ने शाही रसोईया बल्लव महाराज का रूप अपनाया। इसी तरह नकुल ने एक रथ के सारथी ग्रंथिक का रूप अपनाया। सहदेव बने तंतीपाल नाम के गडरिया, और द्रौपदी ने सैरंद्री नाम की दासी का रूप अपनाया। लेकिन अर्जुन का रूप सबसे अलग था। दरअसल एक बार अर्जुन ने उर्वशी नाम की एक अप्सरा का अपमान कर दिया था, जिस वजह से उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया था कि अर्जुन अपनी मर्दानगी खो देंगे और नपुंसक बन जाएंगे। इस पर अर्जुन परेशान हो गए। उन्होंने उर्वशी से क्षमा मांगी और ये श्राप वापस लेने की प्रार्थना करने लगे। उर्वशी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार ली, पर वो अपना श्राप वापस नहीं ले सकती थी। उन्होंने कहा कि ये श्राप सिर्फ 1 साल के लिए सच होगा और अर्जुन खुद ये चुन पाएंगे कि श्राप कब शुरू हो। इसलिए जब अज्ञातवास में अपना रूप बदलने की बारी आई तब अर्जुन ने ब्रेनला नाम की एक नपुंसक नृत्य गुरु का रूप धारण किया और राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य गाने लगे। पांडवों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो अपनी पहचान छुपा कर रहे। इसमें से सबसे ज्यादा खतरा द्रौपदी को था। द्रौपदी अपना रूप बदलने के बाद भी इतनी सुंदर थी कि कोई भी उनसे आकर्षित हो सकता था, और यही हुआ। पांडवों के अज्ञातवास के 10 महीने बीत जाने पर विराट नगरी में रानी सुदेशना के भाई कीचक ने प्रवेश किया और उसकी नजर पड़ी द्रौपदी पर। कीचक ने रानी सुदेशना से कहा कि वो द्रौपदी यानी सैरंद्री को उसके पास भेजे। जब द्रौपदी वहां पहुंची
तब किचक ने जबरदस्ती द्रौपदी को जकड़ लिया और उसे खींच कर अपने कमरे की ओर ले जाने लगा। तब द्रौपदी उसकी पकड़ से खुद को मुक्त कर वहां से भाग निकली। ये बात जैसे ही भीम को पता चली वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि वो किचक को किसी सुनसान जगह पर मिलने बुलाए। ये खबर मिलते ही किचक खुशी खुशी वहां पहुंच गया, लेकिन वहां भीम ने उसे दबोच लिया और उसका वध कर दिया। जब दुर्योधन तक किचक की मृत्यु की खबर पहुंची तो वो समझ गया कि हो ना हो पांडव विराट नगरी में ही है, क्योंकि दुर्योधन जानता था कि किचक कितना शक्तिशाली था और उसका वध करना बहुत मुश्किल था। यही सोचकर दुर्योधन ने अपनी सेना लेकर विराट नगर पर हमला कर दिया और राजा विराट को बंदी बना लिया। राजा विराट के बाद युद्ध की कमान संभाली राजकुमार उत्तर ने, जिनके रथ पर उनके सारथी बने अर्जुन। यहीं से कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की शुरुआत हुई, जिसने आगे चलकर कुरुक्षेत्र के भीषण युद्ध का रूप लिया। अगर महाभारत के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे ये वीडियोस देखिए। हमें अपने थॉट्स कमेंट सेक्शंस में बताना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड स्टे ट्यून्ड टू राज फॉर मोर अनसुनी अनकही और अनदेखी कहानियां। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।